हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक है और घर पे ही है। अभी पूरे देश में जो हालात हो रखा है उसके चलते हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने घर पे ही रहे। मैं भी बहुत दिन बाद चैनल पे आया हूँ। बस आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इस लॉकडाउन के चलते हम अपने गाड़ी का मेंटेन कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैटरी से। आपका गाड़ी अगर 20-21 दिन तक खड़ी है और बैटरी का कंडीशन भी ठीक ठाक है, तब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उससे ज़्यादा लंबी हो गई, मान लीजिए कि 1.5 या 2 महीना तक आपकी गाड़ी खड़ी है ऐसे ही, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ये रहा बैटरी। तो अगर आपके बैटरी का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल का कनेक्शन आप खोल के रख दीजिए, इसमें बैटरी का कंज्यूम नहीं होगा। तो ये हो गया बैटरी का मेंटेन। अगर आपकी गाड़ी 20-21 दिन तक खड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्राई करें कि हफ्ते में 2 या 3 दिन आपका गाड़ी स्टार्ट हो, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट के लिए। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप टर्मिनल को खोल दीजिए, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फिर बात करते हैं पार्किंग की। अगर आपके पार्किंग फ्लैट सरफेस पे है तब टायर का उतना ज़्यादा नुकसान का चांस नहीं है, लेकिन आपका पार्किंग ऐसे ऊबड़ खाबड़ जगह में है तो उससे क्या होता है कि टायर का जो नुकसान है उसका चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका टायर का प्रेशर आप सही रखें। जो आपका कैटेगरी है टायर का उसी हिसाब से आप प्रेशर मेंटेन करें, फिर पार्किंग कर दीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ट्राई कीजिए कम से कम हफ्ते में एक दिन आपका गाड़ी को थोड़ा मूव कर सके। जैसे कि मान लीजिए आप हफ्ते में एक दिन राशन के लिए जाते हैं या बाज़ार के लिए जाते हैं, तो उसी टाइम आप अपने गाड़ी का यूज़ करें। इससे क्या होता है कि आपका जो मूविंग पार्ट्स है वो सही रहता है और ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के आसपास ही राउंड मार सकते हैं, मान लो कि 100 या 150 मीटर तक आप राउंड मार सकते हैं। तो इससे आपका गाड़ी का हर पार्ट सही रहेगा, सस्पेंशन, टायर, बेयरिंग, सब कुछ सही रहेगा। और बात करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पॉइंट है सफाई। आप अपने गाड़ी को जितना हो सके साफ़ सुथरा रखें, इससे पेंट क्वालिटी और अंदर जो थोड़ी बहुत गंदगी है उससे गाड़ी का नुकसान हो सकता है। तो अगर आपके गाड़ी शेड पे नीचे खड़ी है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप एक बार साफ़ करके रख सकते हैं। लेकिन आपके गाड़ी अगर ऐसे खुले में खड़ी है तो आप हो सके तो कवर चढ़ा दें इस पर, बिल्कुल अंदर और बाहर साफ़ सुथरा करके। इसके कवर चढ़ाने से जो सनलाइट है उससे गाड़ी का नुकसान नहीं होता है। तो ये बेस्ट तरीका है गाड़ी पार्क करने का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है एसी। आप अपने एसी का ख्याल कैसे रखें? सबसे पहले तो आप शीशे को डाउन कर लीजिए। आप पूरे शीशे डाउन करने के बाद आप अपने गाड़ी को स्टार्ट करते हुए एसी को चालू करें। एक बार पूरे एसी का फ्लो ठीक हो जाने से आप फिर बाद में आप शीशे को ऊपर कर सकते हैं। इससे क्या है कि एसी का जो बहुत दिन से अंदर जो गैस जमा हुआ रहता है उससे भी आपका और गाड़ी का नुकसान पहुँच सकता है, तो इसका इस बात का भी ख्याल रखें। और फिर बात क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। आपने अगर गाड़ी में पार्ट में लगाया है तो कभी भी हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी हैंड ब्रेक जाम हो जाता है। आपने अगर गाड़ी पार्क की है तो हमेशा गियर के यूज़ करें,
गाड़ी पार्ट पे लगाया और फर्स्ट गियर पे डाल दीजिएगा तो गाड़ी बिल्कुल ठीक रहेगा। और कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ना करें, हमेशा गियर पे गाड़ी छोड़ दे, ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब भी अपने गाड़ी को बहुत दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो 2-3 सेकंड के लिए आप अपने हेडलाइट को ऑन कर दीजिएगा। बस 2-3 सेकंड के लिए आप अपने हेडलाइट को बंद कर दीजिए और फिर जाके स्टार्ट लगाएं। इससे स्टार्टर मोटर पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं आता है और इलेक्ट्रिक फ्लो भी सही से बना रहता है। बस आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों। आप गाड़ी का भी ध्यान रखें और अपने फैमिली का भी, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं लॉकडाउन के बाद। टिल देन, जय हिंद।